भाई टाइगर थ्री को सुपर हिट करने के लिए YRF जितना दिमाग लगा रहा है, जितने एफर्ट्स डाल रहा है, ये मूवी 1000 करोड़ के नीचे तो रुकने नहीं वाली है। मतलब जिस तरह से, जिस लेवल पर इसको प्रमोट किया जा रहा है, जिस तरह के प्रमोशनल स्ट्रेटजीज YRF यूज कर रहा है, आज तक किसी भी बॉलीवुड मूवी को उस तरह से उस लेवल पर प्रमोट नहीं किया गया है। और बॉलीवुड क्यों, मुझे नहीं लगता है इंडिया की किसी भी मूवी को इस लेवल पर प्रमोट किया गया है। पठान मूवी को प्रमोट करने के लिए भी YRF ने कुछ ऐसे सिमिलर से ही स्ट्रेटजी को इस्तेमाल किया था। मैं आपको बता दूं कि जब पठान मूवी आने वाली थी तो उस टाइम फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था, तो YRF ने जा करके फीफा में पठान मूवी को प्रमोट किया था। और ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था, क्योंकि आप सबको पता है शाहरुख खान को जितने लोग इंडिया में जानते हैं, उनको पहचानते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसी तरह से इंडिया के बाहर भी उनको जाना जाता है। वो एक ग्लोबल स्टार है एंड वर्ल्ड वाइड उनको जाना जाता है, और फीफा को भी लोग वर्ल्ड वाइड देखते हैं, इंडिया के बाहर भी बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाइप होती है इसकी। तो वर्ल्ड वाइड जा करके फीफा में जाकर प्रमोट करना एक बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी था, क्योंकि ये ग्लोबल स्टार है एंड इनका ग्लोबल लेवल पर प्रमोशन बनता था। और इसका एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ा कि जब पठान मूवी रिलीज हुई तो इसको ग्लोबल ऑडियंस भी मिली, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी इस मूवी ने बहुत ही अच्छा कलेक्शन किया था। लेकिन जैसे ही बात टाइगर 3 के प्रमोशंस की आ जाती है, तो चलो मान लेते हैं कि सलमान खान को लोग इंडिया के बाहर उतने ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन इंडिया में उनकी बिल्कुल कल्ट फैन फॉलोइंग है, बिल्कुल कट्टर फैंस हैं उनके। तो इंडिया में इस मूवी को प्रमोट करने के लिए भी YRF ने एकदम तगड़ा दिमाग लगाया है और एकदम नेक्स्ट लेवल की मार्केटिंग स्ट्रेटजी इन लोगों ने प्लान की है। और तुम लोग को तो पता ही है अभी करंटली ICC वर्ल्ड कप चल रहा है, और अगर इसमें सबसे ज्यादा हाइप किसी चीज की होती है तो वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की, जो कि अभी 2 दिन बाद होने वाला है 14 तारीख को। ट्रेलर से एग्जैक्टली 2 दिन पहले 16 तारीख को ट्रेलर आ रहा है टाइगर 3 का, और उसके एग्जैक्टली 2 दिन पहले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है। तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हुए स्टार स्पोर्ट्स के साथ YRF ने टाई अप किया, बातचीत किया एंड एक स्पेशल प्रोमो शूट किया है सलमान खान ने, जो कि स्पेशली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के दौरान दिखाया जाएगा। और तुम लोगों को पता है टाइगर 3 का प्रमोशन हो रहा है, तो ऐसे टुच्ची टुच्ची नहीं होने वाला, मतलब पूरे मैच के दौरान भर भर के ये वाला टीजर दिखाया जाने वाला है। अब तुमको क्या लगता है ये वाला जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कितना काम करेगा, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, और ये मूवी कितना कमाएगी, कमेंट करके जरूर बताना। तो बस यार रही था आज के इस वीडियो में, मिलते हैं जल्दी अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।